जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज। गुरुग्राम में आज PTCE के द्वारा एक इंटर स्कूल सोलो डांस कंपटीशन का आयोजन किया गया। इस डांस कंपटीशन के मुख्य अतिथि रहे भाई DP गोयल, जिन्होंने आकर के यहां बच्चों का हौसला बढ़ाया और उन्होंने कहा कि बच्चों की प्रतिभा को देख करके लगता है कि भारत में आने वाले समय में बच्चे अपना नाम जरूर रोशन करेंगे और अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। इसके साथ ही इस कार्यक्रम के अंदर रिया राव और मुंबई से कई मशहूर कलाकार ने आकर के हिस्सा लिया। साथ ही यहाँ पर लोकसभा मूवी जो आएगी उसकी टीम भी आई हुई थी। आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम के आयोजक सन्नी वासन ने हमें बताया कि इस तरह के कार्यक्रम वह समय समय पर करवाते रहते हैं, जिससे कि बच्चों में टैलेंट है जो वह एक मंच मिल सके और उस मंच के द्वारा वह बता सके कि गुड़गांव में टैलेंट की कमी नहीं है। हमारी इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे अधिक लोगों तक यह जानकारी जाए। चैनल पर यदि नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक्स और कमेंट्स जरूर करिएगा। इस तरह की और भी न्यूज़ आपको समय समय पर हमारी तरफ से मिलती रहेगी। देखते रहिए जय भारत। जय हिंद जय भारत। हम आपको एक गुड न्यूज देना चाहते हैं। हमारे हरियाणा से लोकसभा के ऊपर एक मूवी बनने जा रही है, जिसकी शूटिंग इसी महीने हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए आपको रूबरू कराते हैं उनके स्टार्ट से, जानना चाहेंगे आगे वो हमें इस मूवी में क्या दिखाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको मिलवाना चाहेंगे मूवी के प्रोड्यूसर मिस्टर RS राणा से। सर, क्या कहना चाहेंगे मूवी के बारे में? मूवी बहुत ही अच्छी है और इसको हमने दिखाया जैसे राजनीतिक महाकुंभ चल रहा है, इसी पे बेस्ड है। और हमने मूवी का नाम रखा है लोकसभा। और इसमें 1951 टू 52 में जो इलेक्शन स्टार्ट हुए, तो आज तक 2024 तक की इसमें कहानी दिखाई हुई इलेक्शन से। तो राजनीतिक परिवेश में कैसे आम जनता को बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं पार्टियों के अपने मैनिफेस्टो में, तो आम जनता क्या चाहती क्या नहीं चाहती, तो हम निर्दलीय उम्मीदवारों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं उस थीम पे। तो सर, ये मतलब आम जनता लोकसभा जैसे हमारी मूवी चलती रहती है, आम जनता के सवाल बहुत होते हैं पर उन सवालों को कोई भी बाहर लेकर नहीं आ पाता, तो इस मूवी में क्या हम वो देख पाएंगे जनता और सत्ता के बीच की जो लड़ाई है, क्या आप लोगों ने वो दिखाया है इसमें? मैम, मैं थोड़ा सेलिब्रेट कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम आपको इनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो शायद खुद को इंट्रोड्यूस कभी नहीं कराएंगे क्योंकि अपने आप में बहुत बड़े कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं। सो आप अपने बारे में बताइए इसमें। आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम आदित्य है और इसी मूवी में आप मुझे कोई ना कोई रोल करता हुआ पक्का देखेंगे। रोल नहीं बताऊंगा अभी सस्पेंस से, तो अभी मैं आपको मूवी के लिए बता देता हूँ। और लोकसभा के नाम से हमें समझ में आता है कि देर इज समथिंग विच इज मोर पॉलिटिकल टू इट। एक पॉलिटिकल एंगल हमारी मूवी में डेफिनेटली है। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम अपनी मूवी के द्वारा ये दिखाना चाहते हैं कि लोगों के और सरकार के बीच का जो गैप है वो किस लिए बनता है, और राजनीति के अंदर जो राजनीति होती है, नेताओं के बीच में जो राजनीति होती है, उसके बीच का द्वंद कैसे सुलझाया जाता है, कितनी नई परिभाषाएं बनती हैं, कितने नए चैलेंजेस नेता फेस करते हैं, या फिर उसकी वजह से जो आम जनता उसको कितना सफ़र करना पड़ता है या कितना सफ़र नहीं करना पड़ता है। तो मोटा मोटा हमारा अभी इतना ही प्लान है, डिटेल आप जब मूवी देखने आएंगे आपको तब पता चलेगा। बिल्कुल आदित्य, हमारी पूरी जनता, मैं तो स्पेशल आऊंगी, मेरे साथ साथ आप सब भी आइएगा, जरूर पहुंचिएगा। अभी इसकी शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है, शूटिंग बहुत जल्दी स्टार्ट होगी और आदित्य जी के साथ जुड़कर हम आपको बीच बीच की क्लिप दिखाते रहेंगे, तो हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। तो इसी के बाद हम एक चीज और, मेरा सवाल रहेगा कि इस चीज जो आप मूवी लेकर आ रहे हैं इसमें जनता को उनके आम अधिकारों के बारे में आप लोगों ने कितना उजागर किया है? बिल्कुल मैम, ये बहुत जरूरी चीज है क्योंकि अक्सर क्या होता है लोगों को उनके अधिकारों का पता ही नहीं है, तो लोग कई बार ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं जहाँ पे उन्हें फंसना नहीं चाहिए। तो हमारी मूवी बीच का द्वंद तो दिखाई रही है, साथ ही साथ ये भी दिखाना चाह रहे हैं हम लोग कि जो जनता है, असली पावर जनता के हाथ में है और उनके क्या क्या अधिकार हैं और उनका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है कि कम से कम आज की जो मूवीज हमें मिल रही है या तो वो तेरी बातों में उलझा दिया या फिर वो सब कुछ उलझ के ही रह गया। देखते हैं इस मूवी के आने से हम लोगों को कितनी अच्छी और सच्ची चीज़ें मिलती है। होप कि अगले आने वाले इलेक्शन में हम इस मूवी के सारे एटलीस्ट कम से कम अपनी जनता एक अच्छी सी सरकार जरूर चुन सकती है कि हमारा भविष्य सेफ हाथों में। आपने एक चीज पूछी कि जनता का कितना इसमें आप भविष्य देख रहे हैं, तो इसके जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर और राइटर हैं मिस्टर सरफराज अहमद जी, वो इस लोकसभा इलेक्शन में इलेक्शन भी लड़ रहे हैं जहानाबाद लोकसभा से। हाँ जी, तो वही जनता के जो मुद्दे हैं वो लेके लड़ रहे हैं और वही चीज़ें हम इसमें दिखाएंगे भी, और इलेक्शन में वो चीज़ें
बताएंगे भी और शूट जो करेंगे उसमें भी मूवी मिलेगी। तो अब तो आप लोगों को ये मूवी जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये एक सिर्फ राइटिंग नहीं है, ये एक सच्ची कहानी हो सकती है, एक एक्सपीरियंस बेस्ड मूवी है। आप कह सकते हैं कि ये एक लाइफ बेस्ड मूवी है, जो होता है, जो चल रहा है और क्या हो सकता है, कैसे बेहतर बना सकते हैं, ये सारे सवालों के जवाब आपको सिर्फ एक मूवी से मिल सकते हैं। तो आप भी जरूर देखिएगा मूवी। इसका ये पोस्टर लॉन्च, प्रीमियर लॉन्च कब होगा, कैसे होगा, ये सारी जानकारी टाइम टू टाइम आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। मैं संजना आपसे जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट अपडेट के साथ, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।